गुड मॉर्निंग क्लास 11। दिस इज योर सब्जेक्ट अकाउंटेंसी, चैप्टर नंबर 11, कैश बुक, लेक्चर नंबर 2। बेटा, इन आर प्रीवियस लेक्चर वी सॉल्वड क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, फाइंड ऑफ योर कैश बुक। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट। कैश बुक, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। दिस इज द क्वेश्चन, read it carefully. See, our first transaction is Mr. Vipin commences business with cash with rupees 2 lakhs. का format you know I told you, debit left hand side debit side, right hand side credit side, and in between cash book you will write now date Feb 1st and two capital account with rupees 2 lakhs. Fine. Feb 3rd open a bank account and deposit it. Bank account open किया है और deposit कराए हैं तो definitely bank account open किया है तो बेटा bank account debited to cash account तो cash book के credit side में buy bank account आएगा that will be with rupees 75,000. नेक्स्ट वन इज फेब 5th, परचेज गुड्स फॉर कैश 30,000. नाउ गुड्स वी हैव परचेज फॉर कैश तो इट विल बी लाइक बाय परचेजेस अकाउंट 30,000. फाइन. नेक्स्ट एंट्री इज परचेज गुड्स विद रुपीज 15,000. सो बाय परचेजेस फेब 7 विद रुपीज 15,000. फेब 10 परचेजेस गुड्स फ्रॉम सूर्यकांत 40,000. तो 40,000, सी फेब 10 परचेज गुड्स फ्रॉम सूर्यकांत 40,000. सो इज इट कैश एंट्री और क्रेडिट एंट्री? इट इज क्रेडिट एंट्री बेटा, दैट्स व्हाई वी विल नॉट रिकॉर्ड दिस एंट्री इन द कैश बुक. फेब 12 को देखिए, ये है हमारी कैश एंट्री, पेड टू सूर्यकांत एंड डिस्काउंट रिसीव. सूर्यकांत को पे किया और डिस्काउंट रिसीव हुआ, तो जो सूर्यकांत को पे किया वही एंट्री करेंगे. डिस्काउंट की हम एंट्री कर सकते हैं वर्किंग नोट में, अदरवाइज हम डिस्काउंट एंट्री यहाँ पर शो नहीं करेंगे क्योंकि डिस्काउंट का कॉलम जो है वो ट्रिपल कॉलम में आता है, डबल कॉलम में नहीं आता और हम तो वैसे भी सिंगल कॉलम बना रहे हैं. फाइन. सो बाय सूर्यकांत 38,800 ऑन फेब 12, पेड वेजेस इन कैश बाय वेजेस अकाउंट ऑन फेब 15 22,500. फेब 16 पेड टू कैजुअल लेबर 1500. सो इट इज कैजुअल लेबर को हम क्या पे करते हैं? वेजेस ना, तो दैट्स व्हाई वेजेस इज देयर 1500. फेब 20th सोल्ड गुड्स टू देवराज फॉर कैश 80,000. टू सेल्स अकाउंट 80,000. पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल इन कैश, तो बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस विद रुपीज 12,000 ऑन फेब 25th. फाइन. नेक्स्ट वन इज विड्रू कैश फ्रॉम बैंक. तो वेन एवर वी विड्रू कैश फ्रॉम बैंक डेफिनेटली द एंट्री इज कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट. सो कैश बुक के डेबिट साइड में टू बैंक अकाउंट वी विल राइट 40,000. फाइन. यू नो ना बेटा, डेबिट साइड पर्टिकुलर रिसीप्ट कॉलम इज देयर एंड क्रेडिट साइड पर्टिकुलर पेमेंट साइड इज देयर. फाइन. नेक्स्ट वन इज पेड फॉर सॉरी रिसीव फॉर कैश सेल्स. सेल्स के लिए किया, रिसीव किया कैश, तो टू सेल्स अकाउंट 5,000 विद रुपीज विद रुपीज 5,000 ऑन डेट 27. नाउ नेक्स्ट थिंग इज ऑन द सेम डेट दे हैव पेड फॉर मिसलेनियस एक्सपेंसेस दैट इज रुपीज 500. सो बाय मिसलेनियस एक्सपेंसेस 27 विद रुपीज 500. Now 28th buy balance CD here 3,25,000. It is lacking behind with rupees 1,29,700. So it will be considered as on the last date of the same month in which we are doing transactions. Buy balance CD 1,29,700. So it will be brought down to the next month first date, that will be March 1st, to balance BD
1,27,900. Fine. See, beta. In it also we do so do the same. This is your format, and you have to do like this. Fine. You have to carry down the balance on the very first day of the next month, and you have to carry down the balance on the very last day of the same month in which we are doing these transactions. Let's see next question. December 1st, 2016, cash in hand, cash sales received on from X on behalf of Y, all these things are there. So first of all, you read this question carefully, then we'll solve it. Yes, beta. It's single column cash book. See, first of all, date particulars ledger folio cash, date particulars ledger folio cash. Voucher number is also being included. So December 1st, two balance BD with rupees 25,000 as we have on this balance on December 1st. Fine. December 2nd, cash is with rupees 40,000, so two sales account 40,000, 2nd December, two output CGST account, two output SGST account, 2400, that will be 6% of 40,000, 2400, fine. On December 4, received from X on behalf of Y, 4,000. So here we will do two Y's account. Fine, 4,000 on December 4. Next one is paid to Sompal and discount received. So by December 9, credit side pay by Sompal 4,900 discount received ki entry hum nahi karenge. We will do it in working note. December 12 received from Vijay Kumar and discount allowed. So to Vijay Kumar 7,800 discount allowed will be done in working note. December 20th bought goods for cash. CGST and SGST is given 6%. So bought goods so by purchases account 20,000 by input CGST 1200 that will be 6% of 20,000 by input SGST 1200 that will be also of 6% of 20,000. Fine. On December 21st, paid cartage, they are saying 1,000 rupees. So, by cartage account, by input CGST account, by input SGST account. On same date, these entries will be passed 21st, 21st, 21st. So, cartage amount is 1,000 and input CGST will be 6% of 1,060 rupees. Input SGST will be of 6% of 1,060 rupees. And fine, finally the entry is done here. And next one is remitted to Dharamveer and discount allowed by him. On 23rd by Dharamveer account 1880. Fine, discount allowed we will show it in where working notes. Fine. On 25th. They are saying received money order from Mohan 500. So money order means received cash, isn't it so? So whenever we received cash from Mohan, so cash account debited to Mohan's account. So here Mohan's account will be debited to Mohan's account 500. Next one is on 27 borrowed from Mahavi 7500.
सो टू महावीर लोन्स अकाउंट विद ₹7,500। फाइन, बोरोड मीन्स हमने उसे लोन लिया है, लोन लिया है तो हमारे बिजनेस में आया है, आया तो डेफिनेटली वी विल इंक्लूड इट इन डेबिट साइड बिकॉज इट इज रिसीव्ड साइड। फाइन, ऑन 29th इट इज रिसीव्ड फ्रॉम भूषण एंड डिस्काउंट अलाउड। सो 29th को टू भूषण अकाउंट ऑन 3900, डिस्काउंट अलाउड विल गो इन वर्किंग नोट्स। ऑन 31st दे आर सेइंग पेड टू ललित 2700 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 3000। सो बाय ललित अकाउंट ऑन 31st 2700। फाइन, अंडरस्टूड ऑल दीज एंट्रीज? डिस्काउंट एंट्री वी विल नॉट डू हेयर, आई एम टेलिंग यू अगेन, बिकॉज इट इज सिंगल कॉलम कैश बुक। इफ इट वुड बी ट्रिपल कॉलम कैश बुक डेफिनेटली वी वुड हैव रिसीव्ड डिस्काउंट और अलाउड डिस्काउंट, वी हैव टू रिकॉर्ड दैट। फाइन, सो नाउ वी विल डू ऑल दीज थिंग्स इन डिस्काउंट रिलेटेड टू डिस्काउंट एंट्री विल रिकॉर्ड इन वर्किंग नोट्स। फाइन, सो नाउ we will do total it up, that will be 93,500, but credit side is lagging behind with the debit side with the amount 60,500, that will be considered carried down balance on the last date of December, that is 31st December 2016. So by balance CD carry down 60,500, that will be considered balance BD in, on the very first date of the next month, that will be 2017 January 1st. Fine, so we have to record this and these entries like this only. Now your homework is you have to revise these entries related to cash book and you have to practice single column cash book till question number 4 and practice illustration 3rd and 4th given in your book on page number, I will tell you which, on page number 11.9 to 11.11. fine, practice these illustrations as well beta on regular routine. I am giving you very small amount of homework on daily routine to be done because I know a lot of things are to be done by you. So better you do this work only with full dedication and hard work. Fine, I expect this from you. So practice illustration 3rd and 4 and do question number 3rd and 4 in your fair notebook. Fine.